जय महाकाली, जय माँ कामाख्या। आप लोग कैसे मित्रों? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। घर बैठे बिठाए आप इसको कर सकते हैं, इस वशीकरण को। चाहे प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, आप अपने पति पत्नी पे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को मन चाहे दिल से प्यार करते हैं, मन चाहे प्यार को फिर से पाने के लिए इस वशीकरण का कार्य कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि जिसको आप प्यार करते हैं, आपने उसके पाँव की मिट्टी ले लेनी है और अपने बाल लेने हैं, अपने बाल लेने हैं। और जिसको आप प्यार करते हैं उसके पाँव की मिट्टी को लेना है। और आप इस दोनों चीज़ को ले लें और किसी भी शुक्रवार के दिन आपने इस कार्य को करना है। आप किसी भी शुक्रवार को जैसे कि नहा धो के फ्रेश हो जाएं और वशीकरण के लिए करना है आपको वशीकरण। ऐसे ही आप बिल्कुल एकांत और एकदम अलग सी जगह पे बैठ जाएं जो कि आपको कोई रोके टोके नहीं और आपसे कोई पूछे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वशीकरण टोकते ही ये टोटका ख़राब हो जाता है। तो आपने बस जैसे कि एकांत जगह पे बैठे और जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं जिसके ऊपर, आपने उसकी तस्वीर अपने मन में और चित्त पे बसा लेना है कि वो व्यक्ति जैसे कि आपके सामने है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपने उसे याद करते हुए इस वशीकरण को करना है। तो जैसे पाँव की मिट्टी को यहाँ पर मैंने कागज़ पर रख लिया और यहाँ पर बाल को रख लिया। बाल रखते हुए आपने मंत्र को बोलना है। अगर किसी स्त्री के ऊपर आप बोल रहे हैं तो आपने इसका मंत्र क्या बोलना है मैं आपको बता देती हूँ। 51 बार ही मंत्र बोलना है। ओम नाम नंगी कर स्वाहा, ओम नाम नंगी कर स्वाहा। ऐसे आप 51 बार ही मंत्र को बोलेंगे, वो स्त्री आपके वश में बिल्कुल हो जाएगी, चाहे आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपके वश में हो जाएगी। आपका कहना सुनना मानना लगेगी, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही करेगी। लेकिन आप अपने मन को और दिल को साफ करके इस वशीकरण के कार्य को करें। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तभी इस वशीकरण को करें, अन्यथा मत करें इसको। किसी के ऊपर गलत विचार रख के कभी भी ऐसे काम को नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तभी इस वशीकरण को करना। तो आपको ये वशीकरण कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद जैसे कि इस मिट्टी को आपने अभिमंत्रित कर लिया, अभिमंत्रित करते हुए आपने इस मिट्टी और बाल को एकदम किसी कागज़ की पुड़िया बना लेना है। मैंने जैसे कि प्लेन कागज़ में रखा है, ऐसे ही इस पुड़िया को बना लें। और उसको फिर बाद में आपने रात्रि के समय 12 बजे जैसे इसको किया और आप इसे अपने पास ही रख के और इसे सो जाएं और ये बाल और मिट्टी बिल्कुल भी किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद आप सुबह उठें और बहते हुए पानी में आप इसको बिल्कुल छोड़ दें। छोड़ते हुए आप फिर उस मंत्र को 11 बारी फिर से बोलें, ओम नाम नंगी कर स्वाहा। इस तरीके से मन ही मन में आपने इस मंत्र को 11 बारी बोलना है। उसके बाद वहाँ से आ जाना है। देखेंगे कि आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी आपके वश में हो गई और तुरंत ही आपसे बात करने लगी और आपसे जैसे ब्लैकलिस्ट कर दिया या आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, वो एकदम ही ऑटोमेटिक आपसे बात करने लगेगी। आपका शादीशुदा रिश्ता एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लव लाइफ आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको अगर ये वशीकरण का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए पे आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आने वाले ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको वशीकरण के मिलते रहेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ। अगर आपकी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, अगर तंत्र मंत्र से आप परेशान हैं या जादू टोने से आप परेशान हैं, घर में तंत्र मंत्र हो जाता है, नज़र दोष हो जाती है, वास्तु दोष हो गया है, या आपके रिश्ते में कोई भी दरार आ चुकी है, शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही, लव लाइफ आपकी सही नहीं चल रही है, और अगर भी कोई दिक्कत परेशानियाँ हैं, किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कोई ऊपरी हवा से परेशान है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप गुरु माँ से कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं। उसका हर आपको सलूशन मिलेगा आपको हर परेशानी का। आगे फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वशीकरण के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ कामाख्या।